आपकी शादी हो गई कि नहीं? सोच रही हूँ मैं भी ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ या नहीं। सबसे पहले तो सभी हमारे भाई बहनों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, आपकी छोटी बहन सिंगर अंजलि बोध की तरफ से क्रांतिकारी नमो बुद्धा जय भीम। साथियों, मैंने भी सोचा है कि मैं भी चलो ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। हालांकि मुझे ब्लॉगिंग करना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से जुड़ने के लिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, आज के हमारे इस ब्लॉग में हम बताएंगे आपको क्या क्या होता है। और देखिए साथी, मुझे अभी ब्लॉग बनाना तो आता नहीं है। अब जब कुछ गलती हो जाए तो आप लोग बता देना कमेंट में कि दीदी आप ये सुधार कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नमो बुद्धा जय भीम। और एक बात क्लियर करना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं ये ज़रूर पूछते हैं कि जब मैं गाना डालती हूँ तो पूछते हैं दीदी आपकी शादी हो गई कि नहीं। तो हमारे भाई बहनों से कहना है कि हाँ, मेरी शादी तो हो गई है। और थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में इस ब्लॉग में बता देती हूँ। शादी भी हो गई है, दो बेटियाँ हैं मेरे पास। ससुराल मेरा टूंडला में है, मायका मेरा मुरैना जौरा में है। आज मैं आप लोग को पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो अपलोड करूँगी। और हस्बैंड है, पापा जी हैं, ससुर जी हैं, सासू माँ हैं और दो देवर हैं। और मैं अंजलि बौद्ध और मेरी दो बेटियाँ आयुषी बौद्ध और आरुषि बौद्ध, ये दोनों। ये इतना बड़ा छोटा सा हमारा परिवार है साथियों। और काफ़ी जो लोग हैं वो पूछते हैं कि दीदी आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है। और मेरे अंकल जी जयपाल सिंह लोको पायलट, ये भी मेरे परिवार का एक हिस्सा ही है। और आप सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि हम मैं अपने गाने की शूटिंग और लिपसिंग वगैरह कहाँ करती हूँ। तो आइए देखते हैं हमारे इस ब्लॉग में। यहाँ पर ये दीवार मैंने सारी पुतवा के रखी है साथ ही वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। और ज़्यादातर मैं इस दीवार पर ही, क्योंकि पर्दा वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैंने इसको स्थाई पुतवा दिया है तो इस पर मुझे वीडियो शूट करने में दिक्कत नहीं आती है। और मैं आई थी अभी छत पर मौसम को देखने के लिए कि मौसम कैसा है। तो रात में हुई थी बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई, तो मैंने अभी कपड़े वपड़े धो के डाल दिए, नहा धोकर मैं अभी फ्री हो गई हूँ। तो मैं छत पर आई थी और देखो मेरी आँखों में बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ कि धूप है कि नहीं, तो देख सकते हो आप बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है। अब मैं अपने कपड़े जो सुखा सकती हूँ, क्योंकि साथियों मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब बारिश पड़ जाए कब क्या हो जाए, तो मैं देख रही थी। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपको बताते हैं। और साथियों, मुझे ब्लॉगिंग करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गाना तो हमारा 3-4 दिन के अंदर ही आ पाता है। और अभी मैं ज़्यादा अभी लिपसिंग करने की वो रिकॉर्डिंग करने भी नहीं गई हूँ बहुत दिनों से। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग के द्वारा आप लोगों से जुड़ा जाए। तो भाइयों, आप बताना ज़रूर कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को। और सबसे पहले चलते हैं हम अब नीचे चलते हैं साथियों, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी हैं डॉक्टर, हमारे पापा जी भी हैं डॉक्टर। तो खाना तो सुबह बनता ही है, लेकिन उनके लिए गरम गरम खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो उनके लिए मुझे टिफ़िन बनाना जल्दी से जल्दी फटाफट। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ अभी थोड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए स्किप कर देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद हम बनाएंगे ब्लॉग। और टाइम मिला तो हम करेंगे हारमोनियम पर रियाज वगैरह भी करेंगे। और देखिए, ज़्यादा मुझे ब्लॉग में कुछ अभी बनाना आता नहीं है, मैं देखूंगी लोगों का ब्लॉग कैसे बनाते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताइए, जो कोई हमारा ब्लॉगर भाई हमसे जुड़ा हो वो भी कमेंट में बताना कि दीदी ये करिए आप लोग। तो मैं वही अपने ब्लॉग में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी। तो खाना पीना मैं चलो बना लेती हूँ जल्दी से जल्दी, टिफ़िन लगा देती हूँ उनके लिए, फिर उसके बाद हम मिलते हैं आप लोगों से। साथियों, मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा देती हूँ। सबसे पहले ये मेरी बेटी आयुषी बॉल, जय भीम कर दो सबसे हाथ जोड़ के। जय भीम करो, भगवान बुद्ध की दया हो, बाबा साहब अमर हैं, बोलो। चलिए देखिए, ये तो है बड़ी वाली बेटी मेरी, और छोटी वाली को मैं अभी नीचे छोड़ कर आई हूँ, वो बहुत तेज रो रही है। चलिए उसको भी जाकर देख लेते हैं, वो बोलेगी दीदी दीदी आ जाओ। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, चलो चलो बेटा। मैं लगा देती हूँ गेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ टूटला बंदर बहुत हैं, और यदि ये खुला छोड़ दिया तो बंदर सारा सामान खराब कर जाएंगे। तो चलो मैं गेट लगा देती हूँ, फिर नीचे चल के अपनी बेटी को देखते हैं, वो बहुत तेज रो रही है। देखिए हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, ये आ चुकी है नीचे से खेल। बच्चे जैबिंग कर दो सबसे, उसको उठा उठा के रख रही है। बेटा जैबिंग करना, जैबिंग करो, जैबिंग दोनों हाथ जोड़ के, पहले जय भीम करो, दोनों हाथ जोड़ के करो, अच्छे से करो, अच्छे से नहीं करना।
हम आ चुके हैं अपने किचन में। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना अपने हस्बैंड के लिए और सभी के लिए जो भी खाएगा। तो चलते हैं, अब मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद आप लोगों से बात होगी। तब तक सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। यदि टाइम मिलेगा तो हम लोग करेंगे फिर रियाज, और यदि आज टाइम नहीं मिला तो सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, आज रियाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए टाइम पर खाना भेजना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आप ये बताना कि ब्लॉग सही लग रहा है कि नहीं। नहीं लग रहा होगा तो फिर मैं बंद कर दूंगी बनाना। सभी को नमो बुद्धा, जय भीम। चलते हैं।